जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। सभी पत्नियों ने अपने अपने पति के लिए रखा है व्रत और ऐसे में चांद देखकर रीति रिवाज के साथ सभी पत्नियां अपना व्रत खोल रही हैं। अमृता और विराट भी इस पूजा में शामिल है। मेरी बातचीत होती है अमृता से कि मैं हमेशा से, मतलब मेरी शादी के बाद से मैं भी सोचती थी कि करवा चौथ का व्रत रखूँगी और ये साड़ी पहनूँगी, ये ज्वेलरी पहनूँगी, सब प्लान करते हैं अपने फर्स्ट करवा चौथ पे क्या करूँगी। तो मैं ऐसी सैड बैठी थी तो अमृता ने मुझे बोला कि तुम भी कर सकती हो करवा चौथ, भले ही तुम राजीव के लिए व्रत नहीं रख सकती लेकिन तुम अपने लिए व्रत रख सकती हो, तुम अपने आप से प्यार करते हो तो अपने लिए व्रत रखो। तो मैं अपने लिए व्रत रखती हूँ और हम आज आए हैं चांद देख के अपना व्रत खोलने के लिए, लेकिन मैंने जो व्रत रखा है किसी को पता नहीं है कि मैंने व्रत रखा है, तो वो चुपचाप हम लोग व्रत अपना पूजा करेंगे, व्रत खोलेंगे, यही सब चलेगा। थोड़ा आप इधर आ जाइए, उनको निकलेंगे। मैं तो हमेशा लाइक यही प्रे करती रही हूँ अभी, मतलब जब से मैं अमृता के साइड आई हूँ, कि दोनों अच्छे से रहें, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं एक दूसरे की लाइफ में रहना तो रहें। तो मैं देख रही हूँ कि भाई और भाभी ने फास्ट रखा है, भाई ने भी भाभी के लिए फास्ट रखा, तो मैं चाहती हूँ दोनों अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, चांद देखें, व्रत खोलें और सब अच्छे से हो जाए, तो मैं बहुत खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ त्योहार के बाद विराट पहुंच गया है अमृता के घर भवानी आंटी की हेल्प करने के लिए और हो रहा है मेन्यू डिसाइड, साथ ही साथ चल रही है मस्ती भी। मैं, मेरा कहने का मतलब था कि इन्होंने जो भी नाम लिए डिशेस के, सब आपकी फैमिली मेंबर से एकदम मिलते जुलते हैं ना पर्सनालिटी वाइज। जैसे वो बेसन के लड्डू हो गए एकदम मेरी पार्टनर जैसे, जेके आंटी एकदम स्वीट और मीठे से। ऐसी तारीफ तो मेरी पहले कभी किसी ने नहीं की, बेसन का लड्डू। नहीं, आप वो तीसरी चीज क्या थी आंटी? भरली वंगा वांगी, आप वो भी रख सकती हैं मौके पे। विराट को सूझा कि चलो भाई, हरे हम होता है ना, हम कई बार कोई कोई फोर लेगेड क्रीचर्स के साथ या किसी फ्रूट्स के साथ या किसी स्वीट डिश के साथ अपने अपने चहितों की, अपने लव्ड वंस को रिसेंबल करना शुरू कर देते हैं। बस विराट को भी यही गेम सूझी है कि अपने घर के मेंबर हर एक कोई ना कोई किसी तरह लगता ही है, तो भाई उसको जेके मैम जहाँ का और बेसन के लड्डू जैसी लगती है, तो उसको वैंडी मौसी थाली पीठ जैसी लगती है, तो बस यही मस्ती चल रही थी मेनू प्लान करते करते। इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।